आपने देखा होगा जो व्यक्ति ध्यान में थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ी ही देर बैठते हैं, उनके आंसू झरने लगते हैं। ये भीतर की चट्टाने जो जन्मों जन्मों से संग्रहित हैं वे टूटने लगती हैं, वे ही टूटती हैं, पिघलती हैं, आंसू के रूप में बाहर आती हैं। विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार से बाहर आते हैं। किसी का क्रोध बहुत बढ़ जाता है, किसी का आक्रोश इतना बढ़ जाता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, किसी के आंसू आते हैं, किसी के जीवन में नाचने गाने का ज्वार उठने लगता है, तरह तरह से ये आवेग व्यक्त होता है। लेकिन अगर आप इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, इनर क्लिंजिंग का और जर्नलिंग का, इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि ध्यान बहुत सहज होता जा रहा है। और ध्यान एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा अभ्यास है, मैं तो कहूँगा ध्यान अक्रिया में होने की एक ऐसी विधि है कि अगर उसका स्वाद आपको लग गया तो एक समय आता है कि ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान की एक भाव दशा बन जाती है। यू अडॉप्ट ए स्पेसिफिक पॉस्चर ऑफ मेडिटेशन एंड 24/7 यू आर रनिंग इनटू दैट स्टेट ऑफ बीइंग। ध्यानात्मक जीवन शैली की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपकी जीवन शैली ध्यानात्मक हो जाएगी तो उसके दो लाभ होंगे। पहली बात, यू बिकम ए मैग्नेट टू अट्रैक्ट व्हाट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। ध्यानात्मक जीवन शैली हो जाने पर आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं उन सारी चीजों को अट्रैक्ट करने के चुंबक बन जाते हैं। यानी एफर्टलेसली यू स्टार्ट अचीविंग व्हाट एवर यू वांट टू अचीव इन लाइफ। एफर्टलेसली मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, इट इज हैपनिंग सो एफर्टलेसली दैट यू कैन नॉट इमेजिन इट, यू कैन नॉट बिलीव इट। यू सी हाउ एफर्टलेसली द थिंग्स आर हैपनिंग। आप अपने इर्द गिर्द जिस तरह का संसार निर्मित करना चाहते हैं उसको निर्मित करने का आप माध्यम बन जाएंगे और एफर्टलेसली वो संसार निर्मित करने की क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता आपके भीतर पैदा हो जाएगी। सो माय इनर अर्ज इज प्लीज डेवलप ए मेडिटेटिव लाइफ एंड लिविंग। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ कॉलिंग यू हियर फॉर दिस 3 डे सेवियर। और दूसरा महामंत्र है, नेवर पोस्टपोन your happiness because you can be happy right now or never। दूसरा महामंत्र कहता है कि तुम अपने आनंद को स्थगित मत करो, कल पर मत टालो, क्योंकि या तो तुम अभी यही इसी क्षण आनंदित हो सकते हो या कभी नहीं। आपकी आदत है आप अपने आनंद को स्थगित कर देते हैं, कहते भैया आज तो काम कर लेने दो फिर कल देखेंगे, आज तो मेहनत करने का समय है, आज तो मकान बनाने का समय है, आज तो दुकान में कमाई करने का समय है, आज तो भागने का समय है, आज तो ये करने का समय है, आज तो वो करने का, आज नहीं कल आनंदित हो लेंगे। हर व्यक्ति अपने आनंद को पोस्टपोन करता जाता है कि बस अपना मकान बन जाए, बस अपना बिजनेस शुरू हो जाए, बस अपनी कमाई बढ़ जाए, फिर आनंदित हो लेंगे। सारी दुनिया इसी प्रकार आनंदित होने की कोशिश करती है कि कल हो लेंगे, ये काम हो जाए फिर हो लेंगे। यही आपने आनंद का गला घोट दिया, आनंद की संभावना को समाप्त कर दिया। आनंद का दूसरा महासूत्र कहता है, नेवर पोस्टपोन योर हैप्पीनेस बिकॉज यू कैन बी हैप्पी राइट नाउ आर नेवर। क्योंकि या तो आप अभी यही इसी क्षण आनंदित हो सकते हैं अथवा फिर कभी नहीं। तो जब भी आपको होश आए इस सूत्र को याद कर लेना कि आनंद को टालना नहीं है, जो भी कर रहे हैं, जहां हैं, जैसे हैं, वैसे ही आनंदित हो जाना है। हर व्यक्ति योजना बनाता रहता है कि भविष्य में कोई बड़ा काम हो जाएगा, उसके बाद में वो घटना घटेगी और उसके बाद में हम आनंदित हो जाएंगे, और उस घटना को प्लान करने में बिजी हैं। अभी तो कहते हैं कि अभी तो हम घटना को प्लान कर रहे हैं,
जब यह घटना घट जाएगी तब हम आनंदित हो जाएंगे। लोगों को इस तरीके से संस्कारित कर दिया गया है, ऐसी तुम्हारी आदतें बन गई हैं, जैसे तुम अभी जैसे हो जहां हो आनंदित नहीं हो सकते हो। तुम्हें लगता है कि आनंदित होने के लिए कुछ और होना जरूरी है, जबकि मैं तुमसे हृदय खोलकर कहना चाह रहा हूं, सभी संबुद्ध पुरुषों का यही कहना है कि तुम जहां हो जैसे हो उसी तरह उसी अवस्था में आनंदित हो सकते हो, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है आनंदित होने के लिए। चाहे जितना अपर्याप्त हैं चीजें, चाहे जितना अपर्याप्त स्थिति है, उस स्थिति में ही आप आनंदित हो सकते हैं। ये जो संस्कार आपके भीतर डाल दिया गया, जो आदत आपके भीतर पैदा हो गई है, इस आदत से मुक्त हो जाना ही पर्याप्त है कि जैसे हो वैसे आनंदित हो सकते हो, कुछ और भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। मन का स्वभाव है कि वो भविष्य पर केंद्रित हो जाता है हमेशा, और क्योंकि मन भविष्य पर केंद्रित हो जाता है इसलिए वर्तमान में जो है उससे चूक जाता है। यू आर ऑलवेज फोकसिंग हैप्पीनेस इन फ्यूचर एंड इन द प्रोसेस यू आर मिसिंग व्हाट एवर यू आर हैविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो वर्तमान में है उससे चूक जाते हो, क्यों? क्योंकि चेतना वहां बनी रहती है भविष्य में। चेतना वर्तमान में हो तो जो वर्तमान की संपदा है उसका आनंद लेगी, लेकिन वर्तमान की संपदा का आनंद लेने की ऊर्जा चेतना आपके पास रहती नहीं। आप चेतना तो भविष्य में दौड़ रही, भविष्य के सपनों में लगी हुई है, तो उस भविष्य में उलझी हुई चेतना को वर्तमान में ले आओ। हमेशा याद रखना, वही सुखी हो सकता है, वही आनंदित हो सकता है जो भविष्य में आनंदित होने की प्लानिंग नहीं करता है। भविष्य में आनंदित होने का जो प्लान नहीं बनाता है वही आनंदित हो सकता है। इसलिए स्टॉप प्लानिंग योर हैप्पीनेस इन फ्यूचर, स्टार्ट लिविंग हैप्पीली इन द प्रेजेंट। इसका अर्थ यह नहीं है कि कल के लिए भविष्य के लिए अपने काम की बिजनेस की योजना नहीं बनाना। कल के काम की योजना बनाना आज का काम है, लेकिन रहना आपको आज में सीखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको यहां से बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे के लिए टिकट खरीदना तो आज का काम है, लेकिन अभी से आप यात्रा के दुख दर्द को सोचने लगो और इतना देर बैठना पड़ेगा, इतना एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ेगा, फिर 2 घंटे की फ्लाइट है, फिर उतरेंगे और उसके पेंस एंड पैंक्स ऑफ द जर्नी, यात्रा की तमाम सारी कठिनाइयों को आप याद करके अभी से सवारी कर लिए, अभी से यात्रा शुरू हो गई आपकी, ये वर्तमान का काम नहीं है। टिकट खरीदने का काम वर्तमान में है, यात्रा शुरू करने का काम आज नहीं, वो तब करना जब यात्रा शुरू हो जाए। हम लोग यही करते हैं, हम लोग सब यात्राएं करने लगते हैं पहले। आनंद सदैव वर्तमान में है, आनंद का स्वरूप है कि वो सदैव वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा डिफॉल्ट मोड क्या है, हम कभी वर्तमान में नहीं होते, हम हमेशा भूत या भविष्य में होते, इसलिए आनंद से हमारा संबंध नहीं बन पाता है। मैट्रिमोनियल अलायंस आनंद के साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि हम हमेशा भविष्य या भूत में रहते हैं, और आनंद सदैव उपलब्ध होता है तो केवल वर्तमान में होता है। तो कैसे हम वर्तमान में रहे, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे महासूत्र की कुंजी यही है कि आप सिर्फ 2 अवस्थाओं में होते हैं। एक अवस्था होती है जब आप कुछ कर रहे होते हैं, दूसरी अवस्था होती है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं। जब आप कुछ कर रहे होते हैं तब कैसे वर्तमान में हो, जैसे इस समय आप मुझे सुन रहे हैं। मुझे सुनते समय वर्तमान में होने का उपाय क्या है? सिर्फ एक उपाय है कि जिस समय जिस काम को कर रहे हों उस समय अपनी पूरी ऊर्जा उसी काम में लगा दें। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों तल पर
आप सिर्फ उसी काम में लग जाएं जिस काम को कर रहे हैं। जैसे मुझे सुन रहे हैं तो सिर्फ मुझे सुने, खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय सिर्फ खाना खाएं, जब खाना खा रहे हैं तो पूरी ऊर्जा सिर्फ खाने पर लगा दें। तो जो व्यक्ति इस तरह भोजन करता है, इतना चबा चबा कर भोजन करता है और सारी चेतना भोजन चबा चबा कर करने पर केंद्रित हो जाती है, सारा होश भोजन पर केंद्रित हो जाता है, तो वो भोजन करना, भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा, वो भोजन अमृत बन जाता है। इस तरह भोजन करने वाले को कभी कोई व्याधि कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, असंभव है कि बीमारी हो जाए, क्योंकि केवल भोजन ही नहीं जा रहा है, तीनों तलों की ऊर्जा भी उस भोजन के साथ आपके भीतर जा रही है, वो औषधि बन जाता है। इसीलिए भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा, अन्नैव ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही परमात्मा है। उसको इस तरह से लो कि शरीर के तल पर, मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर तीनों ऊर्जाएं उसी कृत्य में लग जाएं। तो जिस समय जिस कार्य को कर रहे हैं, यदि पूरी ऊर्जा उसी काम में लगा देते हैं, तब उस क्षण आप वर्तमान में हो जाते हैं, और वर्तमान में हो जाना ही आनंद को उपलब्ध हो जाना है।